नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन सेज द नंबर ऑफ पॉसिबल नेचुरल ऑसिलेशंस ऑफ एयर कॉलम इन अ पाइप क्लोज एट वन एंड ऑफ लेंथ 85 सेंटीमीटर हुज फ्रीक्वेंसीज लाई बिटवीन 1200 हर्ट्ज आर। वेलोसिटी ऑफ साउंड हमें सजेस्टेड है 340 हम ले सकते हैं। ऑप्शंस है 4, 5, 6 या फिर 7। अगेन सिंपल सवाल है, बेसिक्स उस पर हो जाएगा। तो जब हम क्लोज ऑर्गन पाइप की बात करते हैं तो ये आपका क्लोज ऑर्गन पाइप है जिसका एक एंड क्लोज है, एक एंड ओपन है। इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमें पता है वी डिवाइडेड बाय 4L, ये आपकी फ्रीक्वेंसी होती है। नाउ यहाँ पे जब हम बात करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है उसको आप लिख सकते हैं 340 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय L। L यहाँ पे अपने को दिया हुआ 85 सेंटीमीटर, यानी कि 85 मल्टीप्लाइड बाय 10^-2। तो यानी कि आपकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ जाएगी उसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसकी वैल्यू आ जाएगी 100 हर्ट्स हो जाएगी। ठीक है, बिकॉज 85 × 4 विल बी 340 या ऊपर चला जाएगा। सो 100 हर्ट्स आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो गई। नाउ जब हम इस ओपन इसकी पाई ए ओपन एट वन एंड क्लोज एट अदर एंड, ये आपके क्लोज ऑर्गन पाइप की जब बात करते हैं तो यहाँ पे आपकी एक फ्रीक्वेंसी ऐसे आएगी, दूसरी फ्रीक्वेंसी ऐसे आएगी। सो ये इस केस में हम लिखते हैं आपकी एफ एन जो होगी वो होगी 2N-1 मल्टीप्लाइड बाय आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इसको F1 लिख लेते हैं। राइट, सो इसका मतलब ये हो गया अगर हम N की अलग अलग वैल्यूज़ रखें तो N की वैल्यू आपकी फर्स्ट तो 100 हर्ट्ज़ हो गई, उसके बाद 2N-1 के मल्टीपल पर जाएगी। इसका मतलब ये होगा 2N-1 जो है ये आपके जो नंबर्स आएंगे ये होएगा 1, 3 N की जैसे वैल्यू रखते चले जाएंगे 5, उसके बाद आएगा आपका 7 और फिर 9, 11, 13 एंड सोन एंड 4, ये आपको ऑड नंबर्स देगा यहाँ पे। सो इसका मतलब ये हो गया आपकी जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो होगी 100 या फिर 300 उससे नेक्स्ट, या फिर 500 या 700 या फिर उसके बाद अगली आ जाएगी 900 और उसके बाद 1100 और उसके बाद 1300। नाउ अपने को दिया हुआ है कि 1250 के अंदर अंदर कितनी नेचुरल फ्रीक्वेंसीज आ जाएंगी। सो ये रहा अपना आंसर, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 फ्रीक्वेंसीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी वुड बी द राइट आंसर।